देखिए बेटा, सीक्वेंस में जो हम स्पेशल सीरीज पढ़ रहे थे उसके ऊपर आज हम 2 दिन की उसे ट्राई करते हैं और एक असाइनमेंट आपको और प्रोवाइड करूंगा मैं, ठीक है। 2 दिन एक्सरसाइज को देने जरूरी। आज हम 3 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमें एंड टर्म्स तक बेटा कोई सीरीज दे रखी है, उसका सम फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट सीरीज आपकी है 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4। देखिए बेटा, जब ऐसी कोई भी सीरीज चलती है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जनरल टर्म यानी कि nth टर्म लिखेंगे बेटा, nth टर्म, ठीक है। और मुझे इसके लिए फाइंड आउट क्या करना है, इस सीरीज के लिए बेटा sn फाइंड आउट करना है कि sn कितना होगा। अब इसकी जनरल टर्म क्या होगी, देखिए फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकेंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, तो nth टर्म में क्या होगा n, और हम उसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं बेटा, 1 ज़्यादा से जितना भी है। तो आपके पास nth टर्म क्या आई, देखिए nth टर्म आपके पास आई n² + n। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर मेरे को sn निकालना है और मैं ये कहूँ कि sn का मतलब होता है समेशन ऑफ tn, तो आप एग्री हो इसमें, डेफिनेशन पर आइए बेटा। sn का मतलब होता है बेटा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, और समेशन tn का मतलब मैंने बता था कि समेशन में कुछ नहीं दे रखा, तो n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। तो इसका मतलब आएगा बेटा t1, फिर t2 और बीच में साइन आएगा प्लस का, फिर t3 प्लस अप टू कहाँ तक जाएंगे प्लस में tn, ठीक है। तो जब भी ऐसे सीरीज में आपको sn निकालना है आप क्या कर देंगे, समेशन tn कर देंगे, यू विल गेट बेटा sn। तो देखिए tn मेरे पास आ चुका है, मुझे sn निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, समेशन ऑफ tn, और समेशन ऑफ tn की वैल्यू कितनी है, n² + n। समेशन अलग चला जाएगा बेटा, समेशन n² + समेशन n। अब आप कल मैंने आपको बताया था कि समेशन n² जो होता है उसकी वैल्यू आपके पास होती है n × n+1 × 2n+1/6, और जो समेशन n है इसकी वैल्यू होती है बेटा n × n+1/2। तो उठा के दोनों वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो, n × n+1 × 2n+1/6 प्लस n × n+1/2, दोनों में से कॉमन क्या आएगा, n × n+1/ आप 6 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो आपके पास क्या रहेगा, यहाँ तो रहेगा 2n+1 और वहाँ हो जाएगा 3, क्योंकि 6 कॉमन लिया तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे हम। तो ये आपके पास क्या रहा, n × n+1, अंदर क्या रहा 2n+4, तो उसको n+2 लिख के 2 बाहर ले लेते हैं, 6 से डिवाइड कर रखा था, ये कैंसिल हो जाएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज क्या आया, n × n+1 × n+2/3, ठीक है। एक और सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, देखिए 3 × 8 + 6 × 11 + 9 × 14। देखिए बेटा इसकी nth टर्म लिखनी है, तो आप एक कॉमन पैटर्न सोचिए, ये 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, तो देखो 3, 6, 9, ठीक है। एपी है आपके पास 3, 6, 9, एपी में है सारे के सारे, और सेकंड नंबर क्या बेटा 8, 11, और ये भी एपी में है, या फिर देखो ये 3 है तो 5 ज़्यादा है, 6 से 5 ज़्यादा है और 9 से 5 ज़्यादा है। तो अगर मैं पहला नंबर पता लगा लूँ कि nth टर्म का फर्स्ट नंबर क्या है, तो ये तो मुझे पता ही है कि उसकी मल्टीप्लाई में क्या आने वाला है, ठीक, उससे 5 ज़्यादा आएगा। तो 3, 6, 9 जो ए पी है उसकी nth टर्म निकाल लीजिए आप अलग से, a + n-1 × d, आपके पास कितना आएगा 3 आएगा, तो ये 3n के इक्वल आ गया आपके पास, तो ये कितना है 3n, और अगला क्या रहेगा 3n में 5 ऐड कर देंगे, फिर वही मल्टीप्लाई करो 9n² + 15n, और मुझे निकालना है sn, तो मैं समेशन कर दूंगा इसका, n² 9 बाहर लिखा जाएगा प्लस 15 और समेशन में क्या हो जाएगा n। ये सारी बातें बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं समेशन से संबंधित, और अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 9 × n² कितना n × n+1 × 2n+1/6 प्लस 15 × n × n+1/2। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कैलकुलेशन करी है वैसे ही आप यहाँ भी कैलकुलेशन कर सकते हो बेटा। एक हम डिस्कस करते हैं, अगर सीरीज डिनोमिनेटर में बन रही हो, जिसे ऊपर तो 1 है, नीचे 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4 इस तरह का चल रहा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे इसकी। तो इसकी जनरल टर्म क्या बनने वाली है, 1/(n×n+1) ये बनेगी बेटा। देखो इसे फर्स्ट टर्म निकालनी है तो भी आएगी, सेकंड टर्म भी आएगी, थर्ड टर्म भी आएगी, तो इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो 1/(n-1)/(n+1)
ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, ये आपको ध्यान रखना ही है कि अगर ये दोनों नंबर लगातार आ गए तो वन अपॉन में जो छोटा नंबर है माइनस वन अपॉन में जो बड़ा नंबर है, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो आपके पास nth टर्म जो है इसकी वो एक्चुअली क्या आ चुकी, वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। बेटा ऐसे क्वेश्चन में हम समेशन नहीं लेते, देर पॉइंट यहाँ से हम लेते हैं फर्स्ट टर्म टी वन, फर्स्ट टर्म क्या आएगी देखो वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन टू, सेकेंड टर्म क्या आएगी वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन थ्री, थर्ड टर्म क्या आएगी वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन फोर, फोर्थ टर्म क्या आएगी वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन फाइव। एन को रिप्लेस करते जाएंगे टर्म्स आती जाएंगी, यूँ ही चलते चलते फाइनली एन एफ टर्म क्या आएगी वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, और सबको ऐड कर दूँगा बेटा। अगर मैं यहाँ तक ऐड करूँगा देखो ये क्या ऐड होगा टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर टू टी एन, तो लेफ्ट हैंड साइड में सभी का सम क्या देगा मेरे को एस एन। राइट हैंड साइड में जब आप ऐड करोगे ना तो देखिए फर्स्ट टर्म जो है उसका सेकेंड जो पोर्शन है वो सेकेंड टर्म के फर्स्ट पोर्शन से बेटा कैंसिल आउट होता है, ये अंक इससे कैंसिल हुआ, ये वाला इससे कैंसिल हुआ, ये वाला अपने से पिछले से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला भी जाहिर सी बात है पीछे से कैंसिल हो चुका होगा। इसको कोई कैंसिल नहीं करेगा क्योंकि इसको कैंसिल करने वाला आगे था वो है नहीं, तो एक तो ये आपका अंक कैंसिल रहा और एक आपका ये अंक कैंसिल रहा, तो क्या बचा वन और माइनस का वन अपॉन एन प्लस वन। इसको आप सोल्व करेंगे तो एन अपॉन एन प्लस वन आपके पास रह जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का आपको असाइनमेंट दिया जाएगा जिस पर आपको प्रैक्टिस करनी है।